छात्रों ने एक घंटे तक ट्रैक को जाम कर रोके रखा रेल। रेलवे के ग्रुप डी की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने लोहिया नगर रेलवे ढाला के पास रेलवे ट्रैक को एक घंटे तक जाम कर दिया। इससे 52,324 ऑफ सवारी गाड़ी 1 घंटे 2 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही। SDM, SDPO व थाना अध्यक्ष के समझाने पर आक्रोशित छात्र ट्रक से हटे, तब जाकर अपने निर्धारित समय से 1 घंटे बाद 7:07 पर ट्रेन सुपौल स्टेशन से सरायगढ़ के लिए रवाना हुई। इससे पहले छात्रों ने शहर में आक्रोश मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि CBT 2 की परीक्षा को कैंसिल करे और CBT 1 की परीक्षा में हुई धांधली की उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई करे। इसी बात है, एक तरफ UPSC के परीक्षा में डायरेक्ट भर्ती किया जा रहा है बैकडोर से, और यहाँ जो ग्रुप डी का जो भरा जा रहा है सीट, जो रेलवे ट्रैक को ठीक करेगा छात्र, उसमें 4-4 एग्जाम लिया जा रहा है। ये सीधी सी जो साजिश है गरीब बच्चों को, जो रेलवे बहुत बड़ा जो प्रोवाइडर सेक्टर है उसको निजी हाथों में सौंप करके गरीब बच्चों को रोजगार से वंचित करना है। जब इस एग्जाम का फॉर्म निकला था उस समय ऐसा रूल नहीं था जो 2 एग्जाम लिया जाएगा, और आज जब एग्जाम 1 हो गया है तो फिर ऐसा रूल ला रही है केंद्र सरकार। जो रेलवे मिनिस्टर है उनकी कंपनी है और उनके हाथों में रेलवे की जो अधिक संपत्ति है वो अपने कंपनी के माध्यम से चलाना चाह रही है, सीधी सी बात है। और जिस तरीके से पूरे बिहार में और देश में छात्रों को पीटा जा रहा है, यह क्रूर सरकार बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है छात्रों पर जुल्म ढा रही है, और केंद्र में जो सरकार है वो हर चीजों को निजी हाथों में बेच करके देश को गुलामी के रास्ते पे ले जाना चाह रही है। इसीलिए गरीब वंचित छात्रों की जो एकजुटता है, जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होती है, आज रेल मिनिस्टर ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है वह अभी छात्रों को भ्रमित करने वाला है। उन्होंने डायरेक्ट क्यों नहीं कहा जो हमारी गलती हुई है और इस गलती को हम वापस लेते हैं। दूसरी तरफ जब छात्र अपनी मांगों को लेकर के आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको पीटा जा रहा है, और पीटने का ही सवाल नहीं है, उसके ऊपर रेल मंत्रालय के द्वारा फरमान भी जारी कर रहा है, जो आंदोलन करेगा, जो उग्र होगा उसको ताउम्र जो है नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। ये कैसी सरकार है, ये आपातकाल से भी बुरे दौर से बिहार और देश का छात्र गुजर रहा है, और छात्र तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक कि यह तानाशाही फरमान। ये थी हमारे संवाददाता मोहम्मद नाजिर आलम की रिपोर्ट।